हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूँ रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग राजन सिंह मुकुट भैया की एक अदर वीडियो देखने वाले हैं फ्रॉम चैनल A1 बिहार। थोड़ी शर्म कर न्यू भोजपुरी सॉन्ग इंडस्ट्री। देखते हैं भाई कौन कौन से सॉन्ग का रोस्ट होने वाला है यहाँ पे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे तो हमने 3 गाने किए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम अपने ही गाने का अपने से रिव्यू कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बताएंगे वो गाना अच्छा होगा, बुरा होगा या फिर होगा असली। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जानते हैं आपको क्या फायदा होगा। आपको मोटा मोटी अंदाजा हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप इस तरीके से गाना लाना चाहते हैं तो कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाना के बारे में। और गाना जो है वो सिंगर का गाया हुआ है। हमने देखा कि वो अपने कलेक्शन में कौन सा गाना सबसे तगड़ा रखा है, और जिसमें मोतिहारी का नाम था, जो थोड़ा भौकाली वाला गाना था उसको हमने किया सिलेक्ट। और उसके बाद का जो कहानी है उसी पे तो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। हाँ तो चलो अब स्टोरी बताते हैं। वो हमको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और उस गाने में एक लड़का है जिसका नाम राजन सिंह मुकुट है। और वो करता ये है कि बंदूक गोली और जितना अचड़ा कचरा वाला सामान होता है ना, वो सब पूरे शहर में फैला के और शहर के माहौल को गंदा कर देता है। अब देखो दोस्त, अति का अंत होना ही है, ये पुरखों से चला हुआ आ रहा है। पुलिस भी टीम बनाती है और कहती है इस दरिंदे को सबसे पहले दाबो बे। और फिर प्लान बनता है कि राजन सिंह मुकुट को गिरफ्तार करना है, लेकिन वो बड़ा मतलब बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता है उस गाने में। तो फिर पुलिस जो है वो एक लड़की को नाचने के लिए उसके पार्टी में भेजती है। और वहां पे जब नाच के नशे में मग्न रहता है राजन सिंह मुकुट, तो वो लड़की जाती है, गन सटाती है अपने टीम के साथ और उसको दबोच लेती है। और दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग। अब देखो इतना सुंदर स्टोरी है तो उसमें एक्टिंग की जरूरत पड़ेगी, डांस की भी जरूरत पड़ेगा। और सच पूछो तो एक्टिंग और डांस में हम उतना माहिर नहीं है, क्योंकि मेरा काम वीडियो बनाना है। लेकिन भैया सच पूछिए तो पूरी रात हमने इतना मेहनत किया कि एक भी गलती होने नहीं दिया। और सच बता रहे हैं ना, आपको एक्टिंग में एक गलती मिलेगा ना डांसिंग में एक गलती मिलेगा। नहीं विश्वास है तो जाके देख लो। क्या बात कर रहे हैं? देखो वीडियो क्वालिटी जो है ना एकदम स्वादिष्ट खाने में नमक का काम करता है। थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो भी गड़बड़, थोड़ा सा कम हुआ तो भी गड़बड़। अब उसको एकदम परफेक्ट स्वाद अनुसार अगर किसी ने कमाल का काम करने का काम किया है तो वो है भैया ओम शांति प्रोडक्शन। इतना बेहतर तरीके से वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करके आपके भाई राजन सिंह मुकुट को गाने में इंट्रोड्यूस किया है ना, कि आप मतलब वीडियो क्वालिटी के सच में दीवाने तो हो जाएंगे, इतना तो हम लिख के दे सकते हैं। लेकिन हाँ भैया, इतने बात के तो हम भी श्योर हैं कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि बेटे आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम्हारे में ये गलती है, तुम्हारे में ऐसा है, तुम्हारे में ऊसा है। बताओ कल को पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह और भोजपुरी के सुपर स्टार को नाच नचा दिए थे, आज जब करने का मौका आया तो ये कर रहे हो। ये जो मेरा गाना है ना ऑफिशियली अच्छा गाना जो खूब मन से शूट किए हैं, ये पहला गाना है। और दिनेश लाल यादव निरहुआ का पहला गाना देखोगे? इतना ही नहीं, पावर स्टार पवन सिंह का दिखाते हैं। अगर खेसारी भैया का दिखा दिए तो आप लोग गुस्सा ही जाओगे। इन लोगों ने मेहनत किया और आज इस लेवल पे आके बैठे हुए हैं। अब इसके आगे हम अपने सफाई में कुछ नहीं कहेंगे, बाकी इतना तो विश्वास जरूर है कि आपको हमारा ये वाला गाना बहुत पसंद आएगा। तो एक छोटा सा निवेदन है, इस वाले गाने को जाके सुनिए और अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो यहीं पे है तो जाके क्लिक कर लीजिए। तो ये टाइटल क्यों था? थोड़ी शर्म करो। किस बात की शर्म करो? आपने इतनी मेहनत करके सॉन्ग बनाया है, ठीक है, वो काफी अच्छी बात है, उसकी तारीफ करनी चाहिए थी और वो आपने की, ठीक है। क्या क्या अच्छे एलिमेंट्स हैं, क्या ऑड लग सकता है, हर चीज़ बताई। लेकिन इसमें टाइटल मुझे समझ में नहीं आया कि थोड़ी शर्म करो क्यों था किस बात के लिए मतलब गाना ही तो बनाया आपने, है ना। हर कोई ग्रोथ करता है भाई, कोई भी बंदा हो वो कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है, ठीक है, और वो शुरुआत करके उसके बाद कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है वो उसकी जर्नी पर डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे कि निरहुआ भैया हैं, ठीक है, और ये पवन भैया हैं,
खेसारी भैया हैं, ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलिंग एक्टर्स और सिंगर्स रहे हैं जो आज बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, ठीक। तो जब इन्होंने स्ट्रगल की परमानेंट, ये काम कंटिन्यूसली करते रहे करते रहे करते रहे, तभी तो आज जाकर ये यहाँ पर पहुँचे हैं। ऐसा हम इन्हें एज अ सुपर स्टार, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपर स्टार मानते हैं, ठीक। तो क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत की है। ऐसे ही जैसे आज की जो जनरेशन है वो भी मेहनत करेगी तभी वो आगे बढ़ सकती है, है ना। लाइक बहुत सारे लोग शॉर्टकट सोचते हैं कि हाँ हम शॉर्टकट अपना लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। नहीं, जिंदगी को सक्सेसफुली हासिल करने का ना कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेहनत करते रहो, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।